मालदीव और भारत के बीच सरकार के स्तर पर तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मालदीव का विपक्ष भारत के खिलाफ काफी मुखर हो रखा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भारत विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि मालदीव से भारत की मौजूदगी खत्म होनी चाहिए। मालदीव की सरकार भी इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चिंतित है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया के सबसे नए लोकतंत्रों में से एक मालदीव के बीच संबंध पटरी पर होते हुए भी बेपटरी होने की आशंका से ग्रस्त हैं। 1000 से ज्यादा द्वीपों वाले मालदीव में विपक्ष समर्थित इंडिया आउट कैंपेन जोरों पर है। मालदीव के सांसद अहमद शियाम ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, भारत की वर्तमान सरकार से हम ये कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे संविधान और आंतरिक मामलों का आदर करेगी, क्योंकि वो अपने ही कानून और नागरिकों का सम्मान नहीं करती है, खास करके अल्पसंख्यकों का। हम अपनी आज़ादी नहीं खो सकते। दरअसल कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी होता है तो उसकी खबर से मालदीव के मुसलमान भी प्रभावित होते हैं। मालदीव सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है। अहमद शियाम इसी की ओर इशारा कर रहे हैं। इंडिया आउट कैंपेन को बल इससे भी मिलने की बात कही जा रही है। इस कैंपेन का कहना है कि मालदीव से भारत के सैन्य अधिकारी और उपकरणों को हटाया जाए। इस कैंपेन की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। तब मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टरों और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ले जाने को कहा था। ये हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए लगा रखे थे। मालदीव का तब कहना था कि अगर भारत ने इसे उपहार में दिया है तो इस पर पायलट मालदीव के होने चाहिए, ना कि भारत के। इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि लोग सड़कों पर उतरने लगे। इसी साल 5 दिसंबर को आइलैंड एविएशन सर्विस लिमिटेड के पूर्व निदेशक मोहम्मद आमीन ने ट्वीट कर कहा, भारत से एक डॉर्नियर लेना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन डॉर्नियर के साथ भारतीय सैनिकों की तैनाती के हम खिलाफ हैं। हमारे पास इसे चलाने का पर्याप्त अनुभव है। हमारे पास इन हेलीकॉप्टरों की रजिस्ट्री में बदलाव करने का विकल्प होना चाहिए। हमारे पास यह भी अधिकार होना चाहिए कि हम इसे वापस कर सकें। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी PPM और उससे जुड़ी पार्टियों का कहना है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से चले जाना चाहिए। मालदीव के पूर्व मंत्री लुबना जाहिर ने 6 दिसंबर को एक ट्वीट कर कहा, मैं भारतीय व्यंजनों, उत्पादों, दवाइयों को बेहद पसंद करता हूं, लेकिन अपनी जमीन पर भारतीय सैनिकों को नहीं। सितंबर में मालदीव की सत्ताधारी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के एक और विरोधी धड़े ने इस मामले में मोटरबाइक रैली निकाली थी। यामीन भी मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग खुलकर कर रहे हैं। इसी तरह की भारत विरोधी मांग भारतीय एयरपोर्ट ऑपरेटर GMR को लेकर हुई थी और 2012 में GMR को बाहर होना पड़ा था। श्रीलंका में भारत को लेकर मुश्किलें हैं, लेकिन वहां की मुख्य सिंघला पार्टी भारत और चीन दोनों से संबंध रखना चाहती है। दूसरी तरफ मालदीव की PPM भारत विरोध में पूरी तरह से चीन के साथ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यामीन की शिकायत रही है कि राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद भारत ने उन्हें गिरफ्तार होने से नहीं बचाया था, लेकिन राजनयिकों का कहना है कि भारत के पास कोई वजह नहीं थी कि मालदीव की नई सरकार से यामीन को जेल में नहीं डालने के लिए कहते, क्योंकि यामीन ने ही मालदीव में चीन की मौजूदगी को मजबूत किया है। 2018 में इब्राहिम सोलेह मालदीव के राष्ट्रपति बने, तब से उनकी नीति को भारत के पक्ष में बताया जाता है। कहा जाता है कि सोलह की नीति इंडिया फर्स्ट की रही है, लेकिन भारत का दबाव रहा है कि वो इंडिया ओनली की नीति अपनाए। कहा जा रहा है कि सोलह की सरकार भारत और चीन के कारण काफी दबाव में रहती है। भारत को सोलह सरकार ने रक्षा समझौतों में प्राथमिकता दी है, लेकिन विकास की कई परियोजनाओं में चीन अब भी आगे है। मालदीव को भारत ने बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी दी है। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मोमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2004 में जब सुनामी आई तो भारत का ही पहला प्लेन मदद के लिए वहां पहुंचा था। PPM की मांग से सरकार पर दबाव बन रहा है, लेकिन देश में उसे व्यापक जनसमर्थन नहीं मिलने की बात कही जा रही है। मालदीव की संसद के स्पीकर और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा था कि इंडिया आउट कैंपेन ISIS का है। चीन के लिए मालदीव सामरिक रूप से काफी अहम ठिकाना है। मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्र में बसा है वो काफी अहम है। चीन की मालदीव में मौजूदगी हिंद महासागर में उसकी रणनीति का हिस्सा है।
2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों की लीज पर महज $40 लाख में दे दिया था। दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है। मालदीव भारत के लिए बिल्कुल पास में है और वहां चीन पैर जमाता है तो भारत के लिए चिंतित होना लाजमी है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है और भारत के मुख्य भूभाग से 1200 किलोमीटर।